पापा ये कारण बताओ नोटिस में, हमने उनको अपना कारण बताया, उनको हमारा कारण रास नहीं आया तो क्या करेंगे? मकान तोड़ के सुलभ शौचालय बना देंगे। ऐसे कैसे कर सकते हैं? लाओ दिखाओ एनवेलप। एंटीलोप एनवेलप एनवेलप हाँ वही याद होगा। चार जीवों का ये परिवार, संतोष मिश्रा है इसके सरदार और इनकी रूखी रोटी सी जिंदगी में जैसे नींबू का अचार, शांति मिश्रा के मौखिक प्रहार। आधा कटा सर यह किस काम आ सकता है? इसे नावे में फंसा के हेलीकॉप्टर का पंखा बनेंगे तुम्हारे पापा। बड़े बेटे अन्नू मिश्रा जो है पेशे से एमआर, और छोटे बेटे अमन का सपना है कि वो बने उपन्यासकार। कबाड़ी वाला बुलायो। आंटी रद्दी वाला बोलिए, कबाड़ी वाला थोड़ा कर्कश लगता है। तो लगाओ। क्या आवाज? हाँ लगाओ लगाओ लगाओ। रद्दी वाले बड़े होने में एफर्ट नहीं लगता, पर सयाना होने में लगता है। और बच्चा सयाना तभी होता है जब दो चार गलतियां कर लेता है। बच्चे हो, बड़ों के मुंह नहीं लगते। जाओ पिछली कक्षा में नहीं पलते अंकल। हम बोला करो, लैंग्वेज बहुत बिगड़ रही है हमारी। कल दिन में कहाँ थे तुम? स्कूल में थे मम्मी। अभी मौका है, सच बोल दो। चांदनी जी छन्नी जी सकते क्या केले में? तुम्हारा रंग ढंग बोल चाल सब गलत दिशा में जा रहा है। एडल्टिंग और पेरेंटिंग के बीच जो फर्क है, उन्हीं हिस्सों से भरी तो ये गुल्लक है। लेकर जिंदगी की खनक, फिर आ गई है नए किस्सों की गुल्लक। ऐसे मनहूस दिन कौन सा व्रत फलेगा? व्रत पूरा करने पे इतना पुण्य मिलेगा जितना 1 करोड़ सोने के सिक्के दान करके मिलता है, और पुरखों को नरक से मुक्ति मिलती है। पापा हमारे पुरखे नरक में है क्या?